हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टालब्रोस ऑटो स्टॉक के बारे में और हम इस पर टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस स्टॉक पर और मैं सबसे पहले बता दूं, जो मैंने नई स्ट्रेटेजी तैयार की है उसके हिसाब से मंथली चार्ट होगा हमारा ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, और वीकली चार्ट होगा फादर पिताजी, और डेली चार्ट होगा बेटा। यानी कि जिस स्टॉक का बैकग्राउंड मजबूत होगा, यानी कि जैसे परिवार का होता है, जिस परिवार का बैकग्राउंड मजबूत होता है उसी तरह स्टॉक का भी अगर बैकग्राउंड मजबूत होगा तो वो फिर आगे आपको ग्रोथ दे सकता है, नहीं तो आपको फिर वो ग्रोथ देने वाला है नहीं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं इसका मंथली चार्ट जो कि दादाजी है, तो आपको इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लगभग 590 रुपए के आसपास से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी कि स्टॉक का जो बैकग्राउंड है वो मजबूत है। अब हम वीकली चार्ट पर चलेंगे जो उसके फादर के हिसाब से, तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बना करके दूंगा, यानी कि ये भी मजबूत है। इन्होंने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट कहाँ से दिया है, ये लेवल होगा 661 रुपए। ठीक, अगर हम पुराना बात करें तो शायद इस लेवल पर रेजिस्टेंस ना हो, नहीं है, ये नया रेजिस्टेंस है और यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ठीक, अब हम डेली चार्ट पर जाएंगे, यानी कि दोनों सेंटीमेंट पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट सेंटीमेंट देखना होगा इसमें होता क्या स्थिति बन रही है डेली चार्ट पर, यानी कि बेटा क्या परफॉर्म कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा बेटा लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्या करें, खरीदारी करें या ना करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 662 और लगभग 450 के बीच का गैप है, यानी कि लगभग 200 रुपए का जो गैप है, इतना टारगेट आपको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, ये टारगेट आपको मिलने वाला है, यानी कि 650 से 750 रुपए तक का टारगेट आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ग्रीन ब्लू वाली, ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 743 पर और जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो ट्रेड करी है 675 रुपए पर, यानी कि लगभग 75 रुपए के आसपास का इसमें गैप है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो आने वाला है वो स्टॉक यहां से नीचे आने का प्रयास करेगा। ठीक, यहां से ये लाइन ऊपर जाएगी और जैसे इन दोनों की आपस में टक्कर होगी आपको फिर एक एंट्री लेने का मौका मिलेगा। ठीक, जैसे ही स्टॉक इसे टच करके रिकवरी देता है यानी क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एक एंट्री का पॉइंट मिल जाएगा और आप 850 रुपए तक के टारगेट के लिए फिर जा पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी इसमें खरीदारी कर सकते हैं, हालांकि अगर आप ऊपर यहाँ भी खरीद देते हैं तो आपको थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, लेकिन आप नीचे आने का वेट करें तो मेरे हिसाब से आप इसमें खरीदारी लगभग 700 रुपए के आसपास तक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगभग 750 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोगों के सपोर्ट से। तो जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा था कि जो हमारी इनकम होगी फर्स्ट इनकम, हम उस इनकम से करीब लोगों के लिए जो हेल्प हो सकेगी वो हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अभी बॉस टाइम लगभग 50% के आसपास पहुंचा है, उसके लिए भी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।